जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि क्या होता है 4x4, 2x2 और ऑल व्हील ड्राइव इंजन या कार या गाड़ी, या फिर क्या होता है कोको और बोबो इंजन जो कि रेलवे में होता है, ठीक ना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है ब्रेकिंग सिस्टम, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं और सेफ्टी क्या क्या सेफ्टी पर्पज के लिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक ना। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको और जानकर अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ कुछ नया जरूर सीखे हैं, ठीक ना। देखिए, चलिए ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेकिंग सिस्टम इसमें व्हीकल में हम लोग दो तरह से यूज करते हैं, ठीक ना। एक होता है फुट ब्रेक होता है, फुट ब्रेक, और एक हैंड ब्रेक होता है, ठीक ना। हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक, ये हम अपने हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं ताकि आप जो रेगुलर देखते हैं उसी को देख के आपको समझ में आ जाएगा, और क्यों यूज करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक ना। देखिए, फुट ब्रेक ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में यूज किया जाता है, देखे होंगे, छोटे गाड़ियों में भी यूज किया जाता है हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक दोनों। फुट ब्रेक में क्या होता है कि पैर से ब्रेक लगाएंगे और हैंड ब्रेक में हाथ से ब्रेक लगाएंगे। देखिए, ये दोनों सब में पाया जाता है, जैसे कार में भी ये दोनों पाया जाएगा, कार में, बाइक में भी पाया जाएगा, ठीक, बाइक में, पर साइकिल में नहीं होता है। साइकिल में केवल हैंड ब्रेक होता है, ठीक ना। साइकिल में, रिक्शा में केवल हैंड ब्रेक होगा, ये आप लोग सब जानते होंगे। कार, बाइक, जितने ट्रक वगैरह सब जिसमें हैं, जितने बड़ी गाड़ियां हैं, वो सब इस तरह की ब्रेक पाई जाएंगी। अब देखिए, ब्रेक क्यों जरूरी है, ब्रेक क्यों जरूरी है, ब्रेक इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। ऐसे फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक हम यूज के हिसाब से कैटेगराइज किए हैं। एक्चुअल में ये मैकेनिकल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो ये दो तरह की होती हैं, ठीक ना। एक होता है ड्रम ब्रेक, ठीक ना, ड्रम ब्रेक, ठीक, और एक होता है डिस्क ब्रेक, ठीक, जो कि ज़्यादातर आजकल यही लोग प्रीफर करते हैं, ठीक ना, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। ड्रम ब्रेक अब धीरे धीरे इसका यूज खत्म होते जा रहा है, ठीक ना। ये बेल्ट, इसमें एक अलग से अरेंजमेंट होता था, ड्रम घूमता था, उसमें एक बेल्ट होता है जो कि ड्रम की स्पीड को कंट्रोल करता है। जब ब्रेक लगाएंगे तो स्प्रिंग से वो ऊपर खिंच जाएगा और धीरे धीरे उसको जो है फ्रिक्शन की वजह से वो ब्रेक लग जाएगा। डिस्क में भी होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो इसमें ब्रेक मतलब होता है ये कि फ्रिक्शन जनरेट कर देना ताकि स्पीड आपका कंट्रोल हो जाए, ठीक ना। तो ये दो तरह के बेसिकली ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक जो है वो आपको आपके यूज के हिसाब से बता दिए थे कि इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ये दो तरह के ब्रेक देख लिए। अब देखिए, हम लोग ब्रेक क्यों लगाते हैं, क्यों ब्रेक जरूरी है गाड़ियों में। देखिए, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, मान लीजिए छोटी गाड़ी, मान लीजिए कार ही हम ले लेते हैं, ठीक ना, कार ले लेते हैं, कार, ठीक है, यही, मान लीजिए ये इसका पहिया व्हील है, ठीक, व्हील है, तो कार ले लेते हैं आप। इसका वजन ना कम से कम 2000 kg होता है, 2000 kg, कोई भी छोटी भी कार है तो 1500 से 2000 kg होता है। और ब्रेक अगर नहीं लगाएंगे ना तो जैसे क्या होता है, ब्रेक जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि अगर आप गाड़ी गाड़ी खड़ी भी है ना तो भी ब्रेक लगाना जरूरी होता है, जो कि हैंड ब्रेक जिसको बोलते हैं, ठीक। तो एक होता है संवेग, जानते होंगे संवेग, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक ना। अगर न्यूटन मोशन लॉ ये सब अगर आप जानते होंगे अच्छी तरीके से तो संवेग भी अच्छी तरीके से आप समझते होंगे। देखिए, अगर गाड़ी खड़ी भी है तो भी भले उसका स्पीड बहुत जीरो है, जीरो के बिल्कुल करीब है, 1-2 किमी पर सेकेंड ऐसे मान लीजिए है, लेकिन उसका क्या है, मास, मास उसका ज़्यादा है 2000 kg, तो ये मल्टीप्लाई करके बहुत ही ज़्यादा जो है अमाउंट बना देता है। इसी वजन के कारण उसका जो है भले धीरे धीरे चलेगा लेकिन बहुत देरी तक चलने लगेगा। वजन चीज जो भी होता है उसको थोड़ा सा डुगरा दीजिए ना तो धीरे धीरे लेकिन काफ़ी देर आगे तक जाके रुकेगा। तो अपने मोमेंटम के वजह से, संवेग की वजह से ब्रेक जो है गाड़ियों में, जैसे ही ब्रेक थोड़ा सा खिसकाएंगे वो ढाल पर रहेंगी तो धीरे से चल देती हैं, ठीक ना। तो इसलिए ब्रेक को लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक। अब देखिए, हैंड ब्रेक क्या कैसे काम करता है उसको भी देख आपको बता देते हैं, ठीक ना। हैंड ब्रेक जो होता है वो कार वाली गाड़ियों में जो कि ड्राइवर के सीट के जस्ट बगल में होता है, ठीक ना। ये मान लीजिए कार है तो यहाँ पे अगर ड्राइवर बैठा है, ठीक, ड्राइवर बैठा है तो बगलिए में उसका एक हैंड ब्रेक ऐसे लीवर होता है, लीवर टाइप का, लीवर समझते हैं ना, इसी तरह का होता है। यहाँ पे एक बटन भी होता है, इसको दबा के ऐसे उठा देता है, उसको पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है। हैंड ब्रेक जो होता है उसको पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं हम लोग, पार्किंग ब्रेक। पूछेगा अगर कभी सबसे खतरनाक ब्रेक कौन होता है तो ये हैंड ब्रेक ही होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक, मार देंगे वहीं रुक जाएगा। जैसे पार्किंग करते हैं हचाक पे मार देते हैं वहीं पे रुक जाता है गाड़ी, एकदम खड़ी हो जाएगी चुपचाप, तो पार्किंग ब्रेक को हैंड ब्रेक कहते हैं, ठीक ना, अभी समझ गए। अब देखिए, ब्रेक में ब्रेक शू यूज किया जाता है, ब्रेक शू जानते होंगे रबर होता है जो, उसी को ब्रेक शू बोला जाता है। देखिए, जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी जैसे कि मान लीजिए ट्रक हो गया, ट्रक, कार, ट्रक हम लोग कार ज़्यादातर क्योंकि रेगुलर हम लोग देखते रहते हैं इसलिए कार को ज़्यादा मतलब यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कार जो होती हैं उसमें भी जो डिस्क ब्रेक होता है, ठीक ना, डिस्क ब्रेक या ब्रेक शू वाला ब्रेक, डिस्क को पकड़ने के लिए ब्रेक शू चाहिए ना तो दोनों तरफ से होता है। तो ज़्यादातर अब कारें जो आ रही हैं उसमें डिस्क ब्रेक लगा हो रहा है। और ट्रेन, साइकिल में देखिए, साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए वो होता है ब्रेक का रबर होता है, एक दोनों तरफ से होता है, ठीक ना।
हम लोग का जब साइकिल रहता था तो ब्रेक जो है नया ब्रेक बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता था, क्योंकि ब्रेक मारते मार के हम लोग क्या करते थे ना, जब छोटी साइकिल जब आप अच्छे से सीख गए होते हैं ना, तो आप फिर साइकिल को बहुत मतलब अपने हिसाब से जिधर मन चाहे उधर घुमा लेते हैं, फिर हम जाते स्पीड में और ऐसे जाके मोड़ देते थे, आप लोग भी जरूर किए होंगे। तो उसका बहुत जल्दी घिस जाता था, 10 रुपये का मिलता था दो ठो लगवा लेते थे, लेकिन कभी कभी उतना भी नहीं रहता था, तो ये साइकिल में यूज किया जाता है। अच्छा देखेंगे जो ट्रेन होती हैं वो जब रुकती हैं तो अजीब सा महक आता है, एकदम बदबू लगेगा कि कपड़वा पकड़ लेगा एकदम पूरा सा, बहुत गजब दुर्गंध आता है एकदम ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ब्रेक लगाता है ना, एयर जब रिलीज करता है तो उसका ब्रेक लग जाता है। ट्रेन में ऐसे ही मतलब सुविधा होती है, सुविधा या मैकेनिज्म कह लीजिए, कि ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा रहता है, ड्राइवर ब्रेक छुड़ा के तब चलाता है उसको, और जैसे ही खड़ा करेगा एयर रिलीज करेगा, ब्रेक अपना जो है व्हील को अटैच करके उसको रोक लेती है। तो जो जनरल बोगिया की तरफ देखेंगे ना, जनरल जो डिब्बा होती है उधर एकदम इतना ना महकता है कि एकदम जहाँ 10 4 लोगों का सीट रहता है उसमें 6 7 8 लोग एकदम गुजार रहते हैं, ऊपर भी एकदम भरा हुआ रहता है, उतना वजन कैपेसिटी से ज्यादा लेकर चलेंगे, आपको रुकना है तो जब लगेगा ब्रेक तो रगड़ खाइबे करेगा, वही ब्रेक ब्रेक शू जो रहता है ना वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट मटेरियल का होता है, तो वो जो है घिस जाता है। ठीक, तो वही घिसता जो है उसी से महक आता है, तो कहते हैं इतना बदबू कहाँ से आखिर आया, उतना तो उसका वॉशरूम भी नहीं महकता है जितना ब्रेक मारने पे महकने लगता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब इसी में देखिए जो वो इस समय जो मॉडर्न टाइप की गाड़ियाँ हैं, ये तो थोड़ा सा आपको हम बस ऐसे जानकारी के लिए बेसिकली जो ब्रेक के कंपोनेंट हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना, जो यूज किए जाते हैं आजकल की गाड़ियों में। ठीक, आता है एक एबीएस सिस्टम, एबीएस सिस्टम इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। ठीक, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, देखिए एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम क्या करता है, पहले जो गाड़ियां होती थी ब्रेक मारने पे ना बहुत ज्यादा स्लिप कर जाती थी, यहाँ पर पूरा फिजिक्स का नियम खत्म हो जाता था कि गाड़ी को अगर रोक रहे हैं धीरे धीरे मतलब ब्रेक मार रहे हैं तो उसको धीरे धीरे रुकना चाहिए ना, स्लिप क्यों कर रहा है, आखिर उसे तो आपको शॉक महसूस होगा, या कभी कभी पलट भी जाता है ब्रेक, देखेंगे मोड़ पर मार दिए ब्रेक तो उस तरफ उलट जाते हैं, जिसे आप लोग साइकिल से अभी तो अब सब बाइक से भी उसी तरह मार के तो एकदम जगह पर मोड़ देता है, पता नहीं कैसे चलाता है, हम लोग तो डगरा के ले जाते हैं। तो एबीएस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेक मारने पे ना, जैसे मान लीजिए कार है, सॉरी कार जो है, कार बनाने बड़ा आसान हो गया, तो वो सिंपली बन जा रहा है, यहाँ हैंडल वगैरह मान लीजिए है, ठीक यहाँ पे बैठा है कौन, ड्राइवर, ठीक ना। कार में क्या है कि कार में जब पहले ब्रेक मारते थे तो कार, हालांकि साइकिल छोटी चीज है उसे गिरेंगे तो थोड़ा मोड़ा क्रोच हो जाएगा वो कार, और जब मार देंगे ब्रेक तो वो पलट जाएगा पूरा, तो उलट जाएगा, तो उसे बचने के लिए क्या होगा कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, इसमें क्या है कि ब्रेक जो है वो ब्रेक जो है व्हील को पूरी तरह से लॉक नहीं करता है, बहुत ही मतलब ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करने देगा आपके पहिया को, मतलब यहाँ पे ब्रेक शू जैसे दबाएगा उसके ये डिस्क को, ठीक ना, डिस्क को जब कंप्रेस करेगा तो एकदम पूरी तरह से लॉक नहीं करता है, एंटी लॉकिंग नाम ही है इसका, मतलब लॉक ना करना, तो ये लॉक नहीं करेगा, मतलब कि बहुत मतलब रगड़ के, जैसे कभी कभी पूरी तरह से साइकिल में भी ब्रेक अच्छा नहीं रहता है ना, तो ब्रेक मारेंगे लेकिन चक्का जो है फिसलेगा नहीं, वो धीरे धीरे जो है करके रुक जाएगा, तो ऐसा सिस्टम बहुत ही स्मूथ ही होता है, मतलब आप चलेंगे जैसे ब्रेकर आपको क्रॉस करना है तो आप ब्रेक मारेंगे पार करेंगे फिर से स्पीड पकड़ा लेंगे अपना, तो ये होता है एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक, अब देखिए दूसरा होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, ईबीडी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक अकेला आदमी कार लेकर जा रहा है, तो ब्रेक का काम होता है कि चारों पहिया पे बराबर आपका ब्रेक लगाएगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ जरूरत क्या है कि लोड किस तरफ, जैसे मान लीजिए कार लेकर जा रहा है राइट हैंड ड्राइवर, मतलब ड्राइवर दाहिने साइड में बैठा है, तो जिस पहिये पे ज्यादा लोड है वहां ब्रेक ज्यादा जरूरत है कि नहीं है, समझिएगा। ठीक, तो वहां पे क्या करना है इसको कि ये एक तरह का सेंसर होता है, ठीक ना, जो कि सीट के नीचे होता है, वो सेंस कर लेता है कि लोड किधर है, जिधर ज्यादा लोड होगा उधर ज्यादा रोकने की जरूरत होगी, मतलब फोर्स ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगाने की जरूरत होगी, तो ये उसी हिसाब से सेंस करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लीजिए एक ड्राइवर वहां बैठा है और एक जो है इसकी वाइफ यहाँ बैठी है, ठीक ना, बीवी बच्चों मतलब बीवी बच्चों को लेकर जा रहा है, तो इस कोने पे एक बैठा है एक उस कोने पे बैठा है, तो एक इस पहिए पे और एक राइट हैंड साइड के पहिए पे जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके पहिए पे ज्यादा ब्रेक चाहिए, तो कैसे गाड़ी को पता चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा ब्रेक देना है कहाँ कम देना है, तो यही जो काम है ना ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, समझ गए।
इतना समझ गए ना, समझ के आपको जरूर अच्छा लगेगा, जानकारी वाली चीज़ है, आपको जानना चाहिए, ठीक ना। अगर आप कार ड्राइवर हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो इतना चीज़ें आपको जानना चाहिए, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब होता है एक ब्रेक असिस्ट, ये दो चीज़ें समझ गए, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, ठीक। एक होता है ब्रेक असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ठीक, बीए बोलते हैं, बीए करना है, ठीक ना। ब्रेक असिस्ट, ब्रेक असिस्ट का क्या काम होता है कि जैसे आप मान लीजिए 20 किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस को तय करने जा रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें कई जगह जर्क आएंगी, या फिर ब्रेकर आएगा, या फिर कुछ गड्ढा उड्ढी आएगा, ठीक ना, रोड में, ठीक। तो आप क्या है कि कंटिन्यू धीरे धीरे ब्रेक मार करके, मान लीजिए आप जा रहे हैं, धीरे धीरे ब्रेक मार के आप चढ़ा दे रहे हैं, चढ़ा दे रहे, चढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी को क्या होता है कि कभी दिखाने के चक्कर में, या फिर उसको ओवरटेक करने के चक्कर में, आदमी ब्रेक एक बार जैसे इधर से स्पीड में जाएगा, फिर ब्रेक मार देगा, फिर जो है हचा खचा करके, हचा खचा समझते हैं ना, मतलब रोक रोक के ब्रेक कंटिन्यू मारना, जर्क जो है जनरेट करना, तो वो क्या करता है, ब्रेक असिस्ट जो रहता है ना, वो आपको अलार्म देने लगेगा कि पूरा रास्ता में आप धीरे धीरे आए हो, यहाँ अचानक से ऐसा क्या हो गया आपके अंदर की मार रहे हो ब्रेक, ऐसा कि लग रहा है कि गाड़ी उलाट देगा पूरा। तो ब्रेक असिस्ट का काम होता है कि आपको असिस्ट करना कि ब्रेक जो है आप कंटिन्यूअस इस तरह से मारिए कि गाड़ी को ज़्यादा जर्क ना आए, या फिर आपको चोट वोट अंदर बैठे हैं तो ना लगे, ठीक ना। अब दिखा दे आपको, समझा देते हैं कि अगर ये सब जर्क वर्क भी आया तो उससे कैसे बचते हैं, गाड़ी में क्या ऐसा अटैचमेंट लगा होता है जो कि जर्क को कंट्रोल करता है, ठीक ना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, 1 सेकेंड के लिए आप रुकिएगा, तब तक के लिए इसको हम इरेज करके आपको बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए जर्क को रोकने के लिए ना, जैसे ब्रेक आप मारेंगे तो निश्चित रूप से जर्क आएगा, ठीक, जर्क या शॉक, ठीक, SHOCK है, ठीक, शॉक आएगा, ठीक, शॉक आएगा, तो शॉक को रोकने के लिए गाड़ी में अटैचमेंट होना चाहिए ना, तो वो अटैचमेंट क्या होता है, स्प्रिंग दिया होता है, स्प्रिंग, शॉक या जर्क को रोकने के लिए स्प्रिंग सिस्टम होता है, ठीक। ये आप लोग सब देखे होंगे, जानते होंगे, लेकिन कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे किस हिसाब से कहाँ कौन सा यूज किया जाता है, हो सकता है आपको नहीं जानकारी होगा, इसलिए हम अपने माध्यम से इसको समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना, हमारा यही मकसद है, ठीक। तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग भी देखिए दो तरह का होता है, एक होता है हेलिकल स्प्रिंग, ठीक, हेलिकल स्प्रिंग, एक होता है लेमिनेटेड स्प्रिंग, इसी को टेलीस्कोपिक भी बोला जाता है, टेलीस्कोपिक, ठीक, टेलीस्कोपिक कैसे बोला जाएगा, दूरदर्शी या दूरबीन टाइप का, एक दिन हम बताने का प्रयास कर रहे थे, दिमाग में आ नहीं रहा था, ठीक ना। टेलीस्कोपिक टाइप एक होता है लेमिनेटेड, लेमिनेटेड, लेमिनेटेड मतलब कि एक के ऊपर परत जैसे चढ़ा देते हैं ना, रिजल्ट मार्कशीट वगैरह होता है तो हम लोग उसको बड़ा लेमिनेशन चढ़ा देते हैं, पहले नया कापी खरीदते थे तो उसके ऊपर कवर चढ़ा देते थे, उसी को लेमिनेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो देखिए ऐसे रहता है, ठीक, यहाँ पे बना दे रहे हैं, या फिर यहीं पे शॉकर, जिसको शॉकर भी आप बोलते हैं, शॉक रेजिस्टेंस को शॉकर बोलते हैं, ठीक, ये हेलिकल स्प्रिंग यहाँ लगा होता है, ठीक। अच्छा, अब जो हेलिकल स्प्रिंग समझ गए, इस तरह का लगा होता है, जैसे बाइक में पीछे 2 ठो, आगे 2 ठो, जो आगे रहता है ना, वो जो हैंडल, हैंडल जो आगे शॉकर जंप करता है, वो हेलिकल स्प्रिंग उसके अंदर भी होता है और पीछे भी, दोनों तरफ होता है, किसी किसी बाइक को हम देखेंगे बीच से जो मैनी, जो इस तरह से ऐसे जो गड्ढा, जो ड्राइवर रहेगा वो एकदम गड्ढे में बैठा रहेगा, जो पीछे वाला रहता है दो कुर्सा ऊपर से बैठा रहता है, उसे गाड़ी पे बैठिएगा वो चलाएगा ऐसे ना, एकदम ऐसे ऐसे घुमा के चलाता है, बुझाता है कि उलट के फेंक देगा कियारी में, ठीक। तो उसमें हेलिकल स्प्रिंग होता है, और लेमिनेटेड स्प्रिंग जो है ये ज़्यादा जर्क को सोखता नहीं है, सोखता है मतलब एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक, ये ज़्यादा कंफर्ट होता है इसमें, ये ज़्यादा कंफर्ट होता है, मतलब बहुत ही स्मूथ आपको गाड़ी, पहले की गाड़ियाँ जो आती थी जैसे मार्शल जानते होंगे, महिंद्रा की मार्शल आती थी, ठीक, मार्शल हो गया, ये ट्रक हो गया, ठीक, ये ट्रैक्टर की ट्रॉली हो गई, ठीक, ट्रैक्टर की ट्रॉली, इन सब में भी लीफ स्प्रिंग यूज किया जाता है। इसका शेप बता दे रहे कैसे होता है, ये इस तरह से होता है कुछ, ये इसी के ऊपर फिर ऐसे ऐसे रहेगा, तो देखे होंगे आप लोग, ठीक ना, ये इसी तरह से एक के ऊपर एक पत्ती, लोहे की पत्ती, पड़े लगभग इतना चौड़ा पत्ती जो है, 2 इंची का चौड़े का पट्टी एक के ऊपर एक रखा रहता है, उसी को बोलते हैं लेमिनेटेड, लेमिनेटेड मतलब एक के ऊपर एक रखा रहेगा, उसी को लेमिनेट करना बोलते हैं, मतलब एक के ऊपर एक तार लगाना है, ठीक। तो लेमिनेटेड या लीफ स्प्रिंग इसको बोलते हैं, ठीक, लीफ स्प्रिंग, लीफ माने होता है पत्ती, लीफ पत्तीदार, लीफ स्प्रिंग। तो ये जो है ज़्यादा, ये क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, ये लोड खींचने वाली गाड़ियों में ज़्यादातर यूज किया जाता है, जैसे ट्रक हो गया,
और ट्रैक्टर की ट्रॉली हो गई, इन सब बस में ये होता है। बस देखते होंगे पीछे जो बैठते होंगे, जैसे पीछे पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो बस में जल्दी तो घुसने नहीं देता था, पैसा लेता था, तो हम लोग पीछे वाले दरवाजे से घुसते थे, तो एक तरफ बैठे रहते थे ऐसे, जैसे कंडक्टर आता था एक तरफ दबक जाते थे। तो वो जब ब्रेकर पार करता था ना, तो हल तो फेंक देता था ऊपर जाके छत में, उसके बस के छत में लड़ जाएगा इस तरह से। तो ये लीफ स्प्रिंग का काम होता है, यही सस्पेंशन, जो कि जिसको सस्पेंशन भी बोला जाए, जर्क सस्पेंशन। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक ना, बैलेंस को प्रोवाइड करता है, समझ गए। पहला ब्रेक सिस्टम, ABS, EBS, समझ गए, ठीक, EBD सिस्टम, ठीक, ब्रेक असिस्ट समझ गए। अब सस्पेंशन सिस्टम समझ गए कि दो तरह का, हेलिकल लेमिनेटेड, टेलीस्कोपिक, किसी को क्यों बोला जाता है, जैसे देखते होंगे कि स्प्रिंग जो आगे वाली सॉकर होती है बाइक की, वो क्या है कि वो उसमें, या फिर पीछे वाला ही, उसके कवर में अंदर जो है वो चला जाता है, घुस जाता है। तो इसका टेलीस्कोप भी उसी तरह का होता है, जैसे यहाँ से ऐसे होगा, फिर ये बढ़ता जाएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे होगा, ठीक, यहाँ पे लेंस लगा होगा, यहाँ पे लेंस लगा होगा, मतलब ये क्या है, आपस में ऐसे आ जाएंगे। सीढ़ी भी आजकल वैसे ही आता है, देखेंगे बहुत लंबा सीढ़ी रहेगा, उसको मोड़ के ऐसे टांग के लेते चला जाएगा बस, ये बाइक वाइक पर बैठ के। तो इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक बोला जाता है, कि उसके फ्रेम में अंदर घुस जाता है, ठीक। अब आपको बता दे रहे हैं कि सेफ्टी पर्पज से गाड़ियों में क्या यूज किया जाता है, ठीक ना, सेफ्टी के लिए क्या यूज करते हैं उसको भी देख लेते हैं, सब चीज़ आप ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि भाई ये गाड़ी को लेकर काफी 2 दिन से चर्चा हो रही है, ठीक ना, ठीक। अब देखिए सेफ्टी के लिए क्या यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए 2 चीजें यूज की जाती है, पहला होता है आपका सीट बेल्ट, ठीक, सीट बेल्ट, और दूसरा होता है ये एयर बैग सिस्टम, ठीक, एयर बैग। पहले एयर बैग नहीं आता था गाड़ियों में, अब कंपल्सरी कर दिया गया, ठीक ना, कोई भी आप गाड़ी लेंगे फोर व्हीलर, उसमें एयर बैग आपको लेना ही पड़ेगा, या भले आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आपको लगा के लेना ही पड़ेगा एयर बैग। सीट बेल्ट तो शुरू से ही आ रही है। सीट बेल्ट की खासियत क्या होती है कि इसको जैसे लगाएंगे या फिर धीरे धीरे जितना चाहेंगे खींचेंगे खींच सकते हैं, लेकिन अगर एक ही बार आप खींचेंगे तो लॉक हो जाएगा, मतलब इसका लॉकिंग जो है सर्किट होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, ठीक ना, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इधर से पार हो जाता है, इधर ला के खोस देते हैं उसको उसके हब में, ठीक ना, इस तरह का ये लास्ट में होता है, ये सॉरी ये बन नहीं पा रहा, ठीक है, इस तरह का रहता है, ये आके इसमें फिट हो जाता है, ठीक, ये फिट हो जाएगा इसमें, तो इसको लाके इसमें खोंच देते हैं, मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तब आपको अलाउ करता है कि अब चलिए गाड़ी लेकर। नहीं तो क्या होता है, अगर आप नहीं लगा रहेंगे सीट बेल्ट, तो अलार्म उसमें बजता रहता है, इंग्लिश में भी बोलता है कि यू हैव नॉट ये बॉन्ड योर सीट बेल्ट, ठीक ना, आपने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी है, ऐसा करके किसी में बोलता है, किसी में टू टू करके अलार्म आता है। अच्छा, इसके सीट बेल्ट कितने लोग ने नहीं लगाते हैं, वो समझते हैं ना कि शर्ट वर्ट प्रेस करके क्रीज पकड़ा के आए हैं, नया शर्ट पहने सीट बेल्ट लगाते तो क्रीज खराब हो जाता है, ऐसा होता है ना, इतने तो पिछुआ से अपना पार कर देगा, इधर से सीट बेल्ट पार करके इधर खोस देगा, अब हद तो तब हो जाता है ना कि ये सब कुछ नहीं, इधर जो पट्टा इसका रहता है उसको भी कितने लोग निकाल देता है, अब केवल इसमें खोस देता है, इसमें केवल वो जो उसका हुक होता है उसमें केवल फंसा देगा, वो सीट बेल्ट का रस्सी भी नहीं रहेगा, तो ये क्या है कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है, ठीक। अब देखिए सीट बेल्ट समझ गए, आसानी से खींचेंगे खींचा जाएगा, तेजी से झटका मारेंगे नहीं खींचाएगा, ठीक। अब एयर बैग देख लेते हैं, एयर बैग क्या होता है कि यहीं पे हैंडलवा पे होता है, ठीक, ये हैंडल जो स्टेयरिंग होती है गाड़ी की, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में आप एयर बैग नहीं खोजेंगे, ठीक ना, क्योंकि उसमें हेलमेट होता है, ठीक, हेलमेट से ही काफ़ी चीज़ें रुक जाती है, या बफर लगा देते हैं आगे, तो इसमें हैंडल जो होता है स्टेयरिंग उसी के ऊपर होता है एयर बैग आपका लगा होता है, या फिर ड्राइवर के बगल वाले के में भी एयर बैग, वैसे गाड़ी में चारों तरफ ही एयर बैग लगा होता है, जो जितनी महंगी गाड़ी लेंगे आप उतना ही आपको सिस्टम ज़्यादा बढ़ा कर देगा, तो कहते हैं गड़िया तो दोनों एक है, महंगा इसमें किस चीज़, तो यही सब जो सेफ्टी पर्पज या फिर आपके कम्फर्ट के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं लगाई जाती हैं, तो उसी का पैसा बढ़ जाता है, पूरे साइड में भी आपका जो है एयर बैग रहेगा, थाई पे रहेगा, यहाँ पे आपके चेस्ट पे, मतलब जो स्टेयरिंग है वहाँ पे रहेगा, बगल वाले जो बैठेगा ड्राइवर के बगल में, वहाँ ग्लव बॉक्स जिसमें सामान वामान कुछ रखते हैं एसी वसी रहता है, उसके सामने भी जो है एयर बैग रहेगा, पीछे वालों के लिए भी जो ड्राइवर का बैग रेस्ट रहता है उस पर रहता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है जितना महंगी गाड़ी लेंगे वो सब चीज़ें आपको उतना ही ज़्यादा देगा। अब देखिए ये एयर बैग सिस्टम करता कैसे काम है, ये इसमें जो होता है सोडियम एजाइड भरा भरा होता है, सोडियम एजाइड, ठीक ना, एजाइड, ये इसमें ये काम कैसे करता है, हैंड ग्रेनेड जो होता है ना, जैसे ही फेंकते होंगे उसके अंदर का मैकेनिज्म देखेंगे, एक वो गिरता है, इसमें स्पार्क होता है, ब्लास्ट होता है, फट जाता है, तो उसी तरह से ये भी काम करता है सोडियम एजाइड, ये केमिकल होता है, ठीक ना, जैसे ही गाड़ी किसी चीज़ में टकराएगी तेज़ी से,
तो क्या होता है कि वो इसमें स्पार्क जनरेट होता है, और स्पार्क जनरेट होता है और भरा होता है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन तेजी से गैस के रूप में और पूरे जितने एयर बैग होते हैं उसमें माइक्रो सेकेंड में पूरा फुला देता है। अब जैसे ही शॉक लगेगा आप जाके गिरिएगा, तब तक आपके चेस्ट को कौन रोक लेगा, ये आपका एयर बैग, ठीक ना। और इसका देखिए एक खराबी या अच्छाई जो भी कह लीजिए, इसका खराबी ये होता है कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाए ना तब तक ये एयर बैग नहीं खुलेगा, ठीक। सीट बेल्ट अगर लगाए हैं तभी आपका एयर बैग खुलेगा। दूसरा कि एक बार अगर एयर बैग खुल गया ना तो दोबारा फिर उसको सिस्टम को फिर से पूरा चेंज करना पड़ता है, मतलब आपको 20-25 हज़ार का फिर से खर्चा आएगा। मतलब कम से कम एक बार मेजर एक्सीडेंट से तो बच गया ना, 20-25 हज़ार तो दोबारा लगवा ही लेंगे। तो इसका मतलब ये खासियत होता है कि एक बार खुलेगा तो फिर दोबारा दूसरा ही लगाना पड़ेगा, ठीक। सीट बेल्ट लगा रहेगा तभी। अच्छा ये सही भी है, जैसे क्या होता है ना कि आपका अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है और आप कहीं एक्सीडेंट करते हैं तो पैसा आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहेंगे और कहीं एक्सीडेंट करते हैं और कहीं डेथ हो जाता है ना, तो देखते होंगे फट से कैमरा मीडिया ये सब आ जाते हैं, पुलिस वुलिस सब आ जाता है, तो उसको डेड बॉडी को निकालने से पहले कई सारा फोटो खींच दिया, तो उसमें देखते होंगे अगर सीट बेल्ट नहीं बंधा है ना तो आपका इंश्योरेंस भी गायब खत्म हो जाता है, मतलब कि आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आपका कितना का भी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कराए रहेंगे, LIC जीवन बीमा जो भी हो, ठीक ना। तो इसका मतलब ये आपके सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे भी रह सकता है, बगल में भी रहता है, सामने भी रहता है, पीछे वालों के लिए भी रहता है, और उसका सेंसर यहीं जस्ट समाना होता है कि कितने लोग यहीं पे बफर लगवा देते हैं, वो वाला बफर, ठीक ना, उसमें लोहे का बोलेरो वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह रहेगा ताकि गाड़ियाँ बच जाए, तो गाड़ी बचेगी लेकिन आप नहीं बचिएगा, क्योंकि वो सेंसर काम ही नहीं कर पाएगा तब तक एयर बैग खुलेगा ही नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें रखना नहीं चाहिए, बड़े शहरों में इसको पुलिस वाला निकलवा देता है, नहीं रखने देता है, आप ही की सेफ्टी के लिए करता है, ठीक। तो ज़रूर आप ये सब चीज़ें समझे होंगे, थोड़ा सा कुछ नया मिला होगा, कुछ व्यवहारिक चीज़ें, ठीक ना। बाकी आपको हम अपने तरफ से अच्छा समझाने का प्रयास किए हैं, बाकी और दूसरी जानकारी लेकर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।